तो स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने फिर से एक और नए वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ एसिड्स के बारे में। जो एसिड्स जो होते हैं वो कहीं पे पाए जाते हैं, जैसे सामान्यतः फ्रूट्स के अंदर, भोजन के अंदर, दही के अंदर। जो सामान्यतः हम चाय पीते हैं, सबसे ज़्यादा लड़के क्या होते हैं जो टी लवर होते हैं, चाय पीते हैं, तो चाय के अंदर भी कौन सा एसिड भी पाया जाता है, तो उस सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो हम नॉर्मली उसको हम बोलते हैं एसिड्स जो है प्रेजेंट इन जनरल स्टफ्स, जो सामान्य जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रयुक्त होती है उसके अंदर जो एसिड्स का क्या होता है, कुछ न कुछ रोल जरूर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जो चाय होती है, चाय के अंदर सामान्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है, चाय के अंदर टैनिक एसिड पाया जाता है। एंड उसके बाद में हम क्या खाते हैं, दही भी खाते हैं, तो दही के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। दही के अंदर तो आप सभी को पता ही है, वैसे किस किस को ये पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। एंड उसके बाद में आता है टोमेटो, टमाटर जो हम कहाँ पे यूज करते हैं सब्जी के अंदर, तो उसके अंदर सामान्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। एंड फिर आता है ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल सामान्यतः हमें हेयर ग्रोथ के अंदर भी कहीं कहीं बार यूज किया जाता है, तो ओलिव ऑयल, तो ओलिव ऑयल के अंदर क्या है ओलिक एसिड पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं हमारे घर में जो छोटी छोटी चींटियाँ होती है, रेड एंट्स बोलते हैं हमें, जैसे लाल चींटी भी बोलते हैं, अगर हम उसके अंदर की एसिड की बात करते हैं, जब हमें वो काटती है तो हमें क्या होता है, थोड़ा सा दर्द, हल्का सा दर्द या खुजली टाइप होता है, तो वो किस वजह से होता है, वो होता है फॉर्मिक एसिड की वजह से। एंड उसके बाद में गैस्ट्रिक एसिड जो हमारी पेट के अंदर पाया जाता है, तो वहाँ पे क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, तो ये हमारा क्या है HCl, HCl का पूरा नाम ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है गैस्ट्रिक एसिड जो होता है वो गैस्ट्रो के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में होता है हमारे शरीर के अंदर क्या फैट, हम बैठे बैठे क्या करते हैं खाने पे पूरा जोर देते हैं और एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर क्या बढ़ जाता है फैट। तो फैट के अंदर कौन सा एसिड होता है, फैट के अंदर एसिड होता है स्टीयरिक एसिड जो होता है वो कहाँ पे होता है फैट के अंदर पाया जाता है। एंड फिर हम बात करते हैं विनेगर सिरका, जो सिरका जो सामान्यतः क्या होता है खट्टा होता है, और इसका हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं सामान्यतः ये ग्रामीण इलाकों के अंदर, ये इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं सिरके का जो प्रयोग करते हैं अचार वगैरह के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो क्या करता है थोड़ा सा खट्टापन ला के रखता है और अम्ल के रूप में कार्य करता है। तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके विनेगर के अंदर पाया जाता है एसिटिक एसिड, और ये क्या है इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, तो सॉफ्ट ड्रिंक क्या होती है, तो सॉफ्ट ड्रिंक वो होती है जब हम चाय की थड़ी पे बैठते हैं या फिर कहीं होटल में या रेस्टोरेंट में जाके सारे दोस्त मिलके बोलते हैं कि आज तो कौन कोल्ड ड्रिंक मंगाएगा, आज क्या पीते हैं, नॉर्मली हम ठंडा बोलते हैं तो वो कौन मंगाएगा, तो फिर हम वो उसको पीते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक। और सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर एसिड पाया जाता है कार्बोनिक एसिड। एंड फिर हम बात करते हैं राइस हो गया या फिर सोयाबीन हो गया, जिसे हम नॉर्मली सब यूज करते हैं, आप में से किसको राइस पसंद है वो कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। तो राइस और सोयाबीन के अंदर होता है फाइटिक एसिड जो होता है वो पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कुछ फलों के बारे में, जैसे ग्रेप्स हो गया, पाइनएप्पल हो गया, या फिर जैसे आलू हो गया, आलू फल तो नहीं है लेकिन हम खाने के रूप में यूज करते हैं, गाजर हो गई, कैरेट हो गई, या फिर टैमरिंड हो गई, तो इनके अंदर जो सामान्य तो होता है इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, इन सब के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है कि सामान्यतः में पूछा जा सकता है कि अंगूर्स के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, या फिर जो पाइनएप्पल है या फिर कैरेट्स के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल होता है टार्ट्रिक एसिड। एंड उसके बाद में हम बात करती है ऑनियन के, तो ऑनियन के अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। और फिर हम ऑरेंज और लेमन, जो लेमन जो होता है वो भी खट्टा होता है, ऑरेंज जो होता है वो भी खट्टा होता है, उनके अंदर क्या पाया जाता है, उनके अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड। इस कारण जो इनके जीनस का जो नाम है वो भी नाम क्या है सिट्रस जीनस इनका नाम है। एंड फिर बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल के अंदर भी क्या पाया जाता है मैलिक एसिड या फिर
एस्कॉर्बिक एसिड। तो आई होप आपको जो ये सारे जितने भी एसिड्स जो होते हैं कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से फूड्स के अंदर या फिर कौन से आइटम्स के अंदर कौन सा एसिड है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाएं जो क्या करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं या फिर जिन्होंने साइंस ले रखी है और उनको ये चीज़ें जानकारी होना जरूरी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।